हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम चॉकलेट केक के अंदर क्या क्या फीलिंग्स करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे तीन लेयर निकले हैं 1 पाउंड के केक में। एक में हमने ऑलरेडी फिलिंग कर चुके हैं और हम दूसरे में आपको करके दिखा रहे हैं। मेक श्योर कि आप क्रीम से अच्छे से कवर अप करें ताकि कोई क्रम्स ना आए केक में। मैंने पहले से शुगर सिरप बना के रखा था, अब मैं शुगर सिरप केक पे डाल रही हूँ ताकि स्पंज सॉफ्ट हो। और हमेशा याद रखिएगा, आप कोई भी केक बनाए शुगर सिरप ज़रूर डालें। नेक्स्ट मैंने क्रीम भी पका के रखी थी, ये चॉकलेट क्रीम। और क्रीम हमेशा स्टिफ पिक में होनी चाहिए। अब मैं इस क्रीम को पूरे केक में इवनली स्प्रेड करूँगी। ये फर्स्ट टाइम है मेरा व्लॉगिंग का, तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मेरे कस्टमर ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें एक्स्ट्रा चॉकलेटी केक चाहिए। अब एक्स्ट्रा चॉकलेटी केक बनाने के लिए मैंने इसमें 1 स्पून ऑफ गनाश भी ऐड किया है। याद रखिएगा, अगर आपका कस्टमर आपसे एक्स्ट्रा चॉकलेटी केक मांगे तो इस तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा। इससे केक का टेस्ट एकदम रिच फ्लेवर का आता है। इसको और चॉकलेटिक बनाने के लिए मैंने इसमें चोको चिप्स भी ऐड किया। खाते वक्त ऐसे बीच में ऐसे क्रंच क्रंच वाला है ना, तो वाह क्या लगता है केक, तो मैंने इसमें ऐड किया। अब मेरी दोनों लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसका लास्ट लेयर लगाऊंगी और इसको क्रम कोट करूंगी। इस तरीके से मैंने इसको क्रम कोट किया है। मैंने मेक श्योर किया है कि केक का एक भी क्रम्स मेरे क्रीम में ना आए, ऐसे मेरी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। क्रम कोट करने के बाद मैं इसको 5 से 10 मिनट फ्रिज में सेट होने रखूँगी। मेक श्योर जब आप क्रम कोट करें तो सारी एक्स्ट्रा क्रीम हटा दें। 5 से 10 मिनट सेट करने के बाद मेरा केक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये रहा मेरा फाइनल केक का लुक। होपफुली आपको डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।